सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली का ढेर सारे शुभकामनाएँ। दिवाली का जैसा त्यौहार में रौनक आता है, आप सबका ज़िंदगी में वैसा ही रौनक हमेशा बना रहे। और काली पूजा, प्रीति और शुभेच्छा। आज काली पूजा होता है, बंगाली के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। वेस्ट बंगाल में हर कोने कोने पे काली पूजा, जहाँ पे मंदिर, कहीं पे पंडाल पे होता है। तो मैं रात को जाऊँगी नियर बाई जो काली मंदिर है वहाँ पर देखने के लिए। ये मुझे जयपुर से मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है, एलिफेंट का दरवाजे वाला तोरण, बहुत सारे गिफ्ट भेजा था उसके साथ ये। तो मैंने सोच के रखा था ये दरवाजे में टांगूंगी दिवाली के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। और स्वीटी अभी रंगोली दे रही है, बच्चा बड़े होने के बाद अच्छा होता है, वो कर लेती है ये सब चीज़ें। पहले मैं करती थी, वीडियो पे आपने देखा भी होगा, लेकिन अभी स्वीटी करती है और उसको मैं समझा देती हूँ किस तरह से करना है। जैसे दिया को पेंट करना, मैं साइड में रह के हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मैं उसी को करने देती हूँ, तभी वो सीखेगी, अदरवाइज़ नहीं सीखेगी। मैं तो कर लूँगी, मेरे लिए वो स्पीड से भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे करती है, लेकिन इस तरह से सीखेंगे। और मैं पूजा के सारे जो अरेंजमेंट है वो शाम को कर रही हूँ। सुबह से मैं दोपहर तक थोड़ा बिजी थी, क्योंकि लिविंग रूम का जो डेकोर वीडियो ऑलरेडी आपने देखा होगा वो मैं एडिट कर रही थी, और उसको एडिट करने में 5 से 6 घंटा टाइम लग जाता है। इसीलिए सुबह से शांतनु ने बहुत हेल्प किया, स्वीटी ने भी बहुत हेल्प किया। दोपहर के बाद मैं इस तरह से सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अरेंज करके रखने से ना अच्छा होता है। और अभी शाम भी हो चुका है, तो सोचा पहले तैयार हो लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब तो होता ही रहेगा। और ये जो साड़ी है ये मेरा शादी के टाइम का साड़ी है, रिसेप्शन का साड़ी है। और ये जो ज्वेलरी है पिछले बार कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा में माँ लक्ष्मी को पहनाया था, सिल्वर का है। और ये साड़ी मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ, शादी के बाद कभी नहीं पहना है, क्योंकि लाल साड़ी इतना वाइब्रेंट कलर सोचा था, इस बार क्यों लाल ही पहनते हैं ना। बनारसी साड़ी मुझे सबसे पसंदीदा साड़ी है, कोई भी बनारसी साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है। त्योहारों का रोशनी कहूँ या रोशनी का त्यौहार कहूँ, पता नहीं, कहने का तो मन नहीं करता कुछ भी, क्योंकि सिर्फ ये रोशनी देखने का मन करता है। सबका बैलकनी से लेके रास्ते तक सब जगह पे रोशनी, कहीं पे दिया, कहीं पे कैंडल, कहीं पे तो लाइट। और ये हमारे घर का, खुद का घर का पहला दिवाली है, तो जितना हो सके मन से करने की कोशिश किया है, सजाने को घर को एकदम रोशनी से। सब करते हैं अपने अपने घर। मैं जब अपनी कॉलोनी पे भी थी तब भी इस तरह से मनाती थी, जो खुद के घर हिसाब से मनाती थी। कुछ दिनों पहले जो मिट्टी का उड़ली लाया था वो अंदर से मैंने टचवुड दे दिया, तो ताकि बाहर का हिस्सा ना ख़राब हो और पानी बाहर में सोख ना करे। पानी बाहर सोख कर जाता है ना, तो ख़राब हो जाता है कुछ दिनों बाद डेली यूज़ करने से। तो इसको अभी मैं डेली यूज़ कर सकती हूँ। दोपहर में वही सब किया, स्वीटी ने भी दिया अपना रंग कर लिया, रंगोली बना लिया। और जब तक फूल ना हो तब तक तो वो मज़ा ही नहीं आता। फूल चारों तरफ होगा। मुझे स्पेशली सुगंधित वाला फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। चापा गणपति जी का बहुत फेवरेट है, तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे मिलता है मैं लेके आ जाती हूँ। जैस्मिन लक्ष्मी जी का बहुत पसंदीदा है। और ये जो हिबिस्कस है ये सिल्वर का है, मैंने लिया था गणपति से पहले। और ये छोटा सा लोटस आप सबको दिखाया था, भगवान जी के लिए लक्ष्मी जी के लिए लिया था। और उस टाइम पे सोच के भी रखा था जब दिवाली आएगी तब मैं लक्ष्मी जी को गणपति जी को ये चढ़ाऊँगी। और जो रिचुअल होता है पूजा का विधि होता है, डिटेल्स में ज़्यादा कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतने सारे उस टाइम पे काम रहता है, कैमरा ले लेके काम करना भी मुश्किल होता है। लेकिन शांतनु हेल्प कर देते इसीलिए पॉसिबल हो पाता है। और ये छोटा छोटा जो गजरा होता है ना उसको मैं बांध के इस तरह से हार बना लेती हूँ क्योंकि मेरा जो मूर्तियाँ हैं बहुत छोटा छोटा है, तो एक गजरे में एक हार बन जाता है। तो वही सारे दोपहर में मैंने करके रखा था। सुमनहरा आग्रह सर्वदेव श्री लक्ष्मी देव्याय धूपम समर्पयामि सज्जं भर्ति संयुक्त च वाहनेन। भज्यम च श्री लक्ष्मी देवी नैवेद्यम समर्पयामि करोत वर्तनार्थे नमस्व परमेश्वरे श्री लक्ष्मी देव्याय। चारों तरफ से पटाखे देख रही हो, ये जगह पे पटाखे फोड़ना मना है क्योंकि टावर है ना, सब उधर गेट के तरफ है। हमें गेट के जाने के लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं यहीं से इंजॉय कर रही हूँ। और इधर भी फूट रहा है, इधर क्यों मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। जी ये जो टेरेस है मतलब जिम के ऊपर, इसमें भी लाइट लगा है चारों तरफ। मैं तो देख रही हूँ ये बिल्डिंग में किसने अरे फोकस नहीं, ये बिल्डिंग पे किसने लाइट लगाया। और ये तो सिर्फ साइड के तरफ है, मेन है इधर के तरफ। अच्छा लग रहा है भाई, रात को एकदम दिवाली के बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या पसंद है आपको? क्या करते हैं अच्छे से सजाया रहता है। ये दीदी ने कौन सा आप कोको में देख रहे थे। और पूजा का जो विधि होता है मंत्र वगैरह स्वीटी करा देती है क्योंकि वो वैदिक पद्धति में होता है, तो संस्कृत में होता है। तो स्वीटी मुझे हिंदी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, संस्कृत थोड़ा बहुत आता है, लेकिन स्वीटी प्रॉपर वो प्रोनाउंसिएशन करके वो कर देती है। जैसा गणपति के टाइम शांतनु को करा देते हैं, तो स्वीटी लक्ष्मी पूजा के टाइम भी स्वीटी करा देती है। और अच्छी तरह से हो जाता है, फटाफट करना पड़ता है क्योंकि वही होता है मेन टाइम। उसके बाद मैं घर के अंदर का जो रंगोली है वो दे रही हूँ, और कभी कभार जाके भी देख रही हूँ। चाय भी बनाया था, चाय पीना भी हो गया क्योंकि मन कर रहा है मैं जा के देखूँ बैल्कनी में किसका कैसे पटाखे हो रहा है। तो रंगोली बना के चली गई थी। इसके बाद देखा अरे फूल तो लगाना है क्योंकि हमने इस बार सोचा भी था जो फूल से जो जैसा केरला में बनता है ना वैसा एग्जैक्ट वैसा नहीं हो पाता है क्योंकि केरला का जो मेथड होता है जो उन्नम के टाइम बनता है वो थोड़ा अलग होता है। ये मैंने रंगोली और फूल एक साथ मिक्स करके बनाया। है ना चॉकलेट स्टैंड। स्वीटी ने दोपहर में मुझे बोला था मेरा चॉकलेट वाला स्टैंड निकाल देना। ये हर बार स्वीटी चॉकलेट के लिए यूज़ करती है, वही ड्राई वाला चीज़ें उसके ऊपर रखने के लिए। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पारंपरिक दिया होता है बंगाली स्टाइल, वही मैंने दिया है। ये मेरे शादी के टाइम का है। और जितना दिया कैंडल जलाऊं तो घर उतना सुंदर लगता है। वही मैं स्वीटी को बोल रही थी, जो जितना भी दिया जलाएगी तब भी घर एकदम लिटअप जैसा होता है ना, एकदम बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा छोटा कैंडल जलाया चारों तरफ। और ये जो बड़ा वाला उड़ली है ना ब्रास का, ये शांतनु ने एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था, तो वही फाइनली पहली बार यूज़ कर रही हूँ। चारों तरफ कैंडल, और स्वीटी ने इस शूज़ के अंदर भी कैंडल दे दिया, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा था। वो तो छोटा छोटा प्लांटर है। हो गई थी। ये ब्रास का थाल, मतलब मेरे साइज दिख रहा है इसका। ये शांतनु ने सडनली मुझे गिफ्ट दिया है दिवाली के लिए। दिवाली पे नॉर्मली हस्बैंड लोग ज्वेलरी या कान का इस तरह से या पैर का बिछुआ वगैरह देता है। मुझे ब्रास का चीज़ें बहुत पसंद है। और बड़ा, इतना बड़ा थाल मेरे पास नहीं था। इसको थाल बोलता है क्योंकि काफ़ी बड़ा है ब्रास का। ये हैंडमेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशल चीजें मिलता है, तो ये पूजा के हिसाब से भी यूज होगा, डेकोरेशन के हिसाब से भी यूज होगा, क्योंकि लक्ष्मी पूजा गणपति में भी बड़ा सामान की जरूरत होता है सजाने के लिए, भगवान का भोग के लिए। तो ये आज पहली बार यूज कर रही हूँ। आके मैंने पूजा के लिए, मतलब भगवान को चढ़ा। जीपॉल दे मुड़े लगा था रोज अखबार खुलवार। और यहाँ पे चारों तरफ कैंडल देना हो गया, तो मैं दरवाजे के बाहर देखने आई थी कैसा लग रहा है। और नेवर के साथ बातें करना, छोटा सा एक बच्चा है, बहुत क्यूट है। फूल वगैरह चारों तरफ, लेकिन अच्छा लगता है। ये छोटा छोटा जो कैंडल है, ये स्वीटी ने पहले बोला था नहीं जलाएंगे क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर है ना, छोटा छोटा घड़ा के जैसा। उसके बाद खुद ही जलाई। और मैं किचन पे आ चुकी हूँ खाना बनाने। यहाँ पे धनिया, जीरा, ब्लैक पेपर, खसखस, काजू और अदरक को एक साथ पेस्ट बना लिया। क्वान्टिटी आप देख लीजिए। और यहाँ पर एक ड्राई मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, सूखी मिर्च को ड्राई रोस्ट करके उसको थोड़ा सा कूट लिया था। और जो खसखस और वो सब पेस्ट है, मस्टर्ड ऑयल पे देके उसको अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले में मैंने हल्दी और मिर्ची पाउडर देकर अच्छी तरह से भून लिया था, थोड़ा सा पानी दिया था। और ये दूध दिया है जस्ट थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। और मटर दिया है, मटर को थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे पनीर को फ्राई करके रखा था, वो देके स्वीटी पूछ रही है मटर पनीर बन रहा है या पनीर मटर, मतलब समझ लो उसका हिसाब से पनीर मटर बनना चाहिए, ना कि मटर पनीर। सॉल्ट और थोड़ा सा बैलेंस के लिए शुगर, क्योंकि उसमें मटर कम रहे, ये स्वीटी को ज़्यादा पसंद है और स्वीटी को ये बहुत पसंद है। और जो भुना मसाला दिया था ये लास्ट में देख के जस्ट उतार लेना है, ये बहुत टेस्टी बनता है, फटाफट बन जाता है। शाम के 4 बजे मैं ये आलू दम बना के रखा था, उस टाइम पे मैं शूट करना भूल गई क्योंकि इतना हड़बड़ी में काम होता है ना, क्योंकि शाम को सब कुछ एक साथ प्रिपरेशन करके रखना, इसीलिए थोड़ा बहुत सब्जियां बना के रख लेती हूँ, बाद में जाके और भी बना लेती हूँ। जैसे मटर पनीर बना लिया और पूरी भी गर्मा गर्म। तो आप सब भी आ जाओ हमारी दिवाली वाली पार्टी पर, आप सबका घर पे भी इस तरह से रौनक रहा होगा। मैं तो जाके आप लोगों का घर नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मुझे मन करता है कभी कभार आप सबका घर देखूँ किस तरह से सजा था। कुछ कुछ फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेजते, तो वो फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह देख के बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मनाया हम सब ने इस घर की पहली दिवाली। ये पहली दिवाली कैसा लगा बताना ज़रूर। बहुत सारे दिया, फ्लावर, रंगोली से सजाया घर को, बहुत अच्छा लगता है। सबका घर सजता है दिवाली में बहुत खूबसूरत तरीके से। तो आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ, पूरी साल आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से जाए। तो अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। नेक्स्ट कहानी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है, कुछ सरप्राइज़ है।